अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु डिड ग्रैंड मदर फील्ड लव। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है हु, कौन से ग्रैंड मदर फील्ड लव, कि ग्रैंड मदर फील्ड प्रेम करती थी, द बेस्ट सबसे ज्यादा, एमंग द लैम्ब ब्रदर्स, लैम्ब भाइयों के बीच में, के जो लैम्ब ब्रदर्स थे तो उन दोनों में से वो किससे ज्यादा प्रेम करती थी। अब यहां देखिए एक बात जो ग्रामेटिकली है वो मैं आपको बताता हूं, हमें क्लियरली पता है कि यहां जो बात हो रही है वो दो लैम्ब है, लेकिन फिर भी हमने यहां एमंग का यूज किया है, जबकि रियलिटी ये है कि दो के बीच के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है, लेकिन दो के बीच के लिए बिटवीन का यूज तब किया जाता है जब बाद में या तो दो नाम हो या टू लिखा हो, और जब बाद में आपको प्लूरल मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आप बिटवीन का यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहां ये ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन आपका ये बना कि हु डिड ग्रैंड मदर फील्ड लव, कि ग्रैंड मदर फील्ड किससे ज्यादा प्रेम करती थी, द बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, एमंग द लैम्ब ब्रदर्स के लैम्ब भाइयों में से, कि जो लैम्ब ब्रदर्स थे उनमें से वो सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती थी, ये आपको बताना है। अब यहां भी देखिए कि हमने एमंग इसलिए लगाया क्योंकि एमंग के बाद जो मिल रहा है द लैम्ब ब्रदर्स प्लूरल मिल रहा है, तो बेशक हमें पता है कि यहां चर्चा दो की है, लेकिन फिर भी आप इसमें बिटवीन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्लूरल जैसे ही नाउन आती है वैसे ही आपको बीच के लिए एमंग का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आप देखिए आपका आंसर, यानी दोनों के बीच में वो किसको ज्यादा प्रेम करती थी ये आपको बताना है। ग्रैंड मदर फील्ड वॉज अ ग्रेसफुल लेडी, कि ग्रैंड मदर फील्ड एक सुंदर महिला थी, शी लव्ड ऑल द चिल्ड्रन, शी लव्ड वो प्रेम करती थी ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चों को, अभी तो हम उनका सामान्य गुण लेकर आए, शी ऑलवेज विश्ड वो हमेशा चाहती थी टू बी रहना विद ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन अपने सभी नातियों के साथ, इन द ग्रेट हाउस बड़े से घर में, इन हॉलीडेज छुट्टियों के दिनों में, बट लेकिन सी हैड स्पेशल लव, लेकिन वो विशेष प्रेम करती थी, सी हैड स्पेशल लव, लेकिन वो विशेष प्रेम करती थी एंड अटेंशन, और बहुत ध्यान रखती थी फॉर जॉन एल, क्या वो जॉन के लिए उनमें कुछ स्पेशल लव था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी हैंडसम, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था एंड स्पिरिटेड यंग मैन, स्पिरिटेड यंग मैन था वो, ऊर्जावान यंग मैन था, ही ऑल्सो मूव्ड अबाउट इन द सॉलिटरी कॉर्नर्स, ही ऑल्सो मूव्ड अबाउट वो चला जाया करता था इन द सॉलिटरी कॉर्नर्स एकांत कोने में, एंड टुक केयर और परवाह करता या बड़ी देखभाल करता ऑफ द ग्रेट गार्डन बड़े बगीचे की, ऑफ द हाउस घर की, तो वो बगीचे की भी परवाह करता, हैंडसम भी था, तो इन सब बातों से वो उससे ज्यादा प्रेम करती थी। तो क्वेश्चन जो आपका है वो ये कह रहा है कि हु डिड ग्रैंड मदर फील्ड लव द बेस्ट, कि वो सबसे ज्यादा, तो पहले तो आप यहां क्या करेंगे कि उनका जो सामान्य गुण है जो कि सबके लिए वो एक जैसी थी, पहले आप वो लिखें, और फिर इसके बाद किससे ज्यादा प्रेम करती थी उसके लिए आप लिखें कि जॉन एल के लिए, जॉन लैम्ब के लिए उनके अंदर एक स्पेशल लव था, स्पेशल अटेंशन था, और वो किन चीजों को लेके था वो आप लास्ट में नीचे बता दें। तो सबसे पहले तो जो उनका जो गुण था वो आप लिखेंगे उनकी मां का, यानी ग्रैंड मदर फील्ड वॉज अ ग्रेसफुल लेडी, कि जो ग्रैंड मदर फील्ड थी वो कैसी थी, एक ग्रेसफुल लेडी थी, वो एक सुंदर महिला थी, ग्रैंड मदर फील्ड वॉज अ ग्रेसफुल लेडी, कि वो एक सुंदर महिला थी, और शी लव्ड ऑल द चिल्ड्रन, जैसे हमसे ये पूछा है कि किससे ज्यादा प्रेम करती थी, तो पहले आपको यही बताना है कि शी लव्ड वो प्रेम करती थी।
दूसरा देखिए कि सी ऑलवेज विज्ड, सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे एक समान प्रेम करती थी, और सी ऑलवेज विज्ड टू बी, कि वो हमेशा रहना चाहती थी विथ देम, उनके साथ, या विथ ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने सभी नातियों के साथ वो रहना चाहती थी, इन द ग्रेट हाउस, बड़े से घर में, इन हॉलीडे, छुट्टियों के दिनों में। तो पहले यहां आप उनकी समानता बताएंगे कि वो एक तो ग्रेसफुल लेडी थी, पहले आप ये बता देंगे कि ग्रैंड मदर फील्ड वॉज अ ग्रेसफुल लेडी, कि ग्रैंड मदर जो फील्ड थी वो एक ग्रेसफुल लेडी थी, सी लव्ड, वो प्रेम करती थी, ऑल हर चिल्ड्रन, अपने सभी बच्चों को, और सी विज्ड टू बी, वो रहना चाहती थी विद ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, कहां, बड़े से घर में, इन द बिग हाउस, इन हॉलीडेज, क्या वो इन द ग्रेट हाउस या इन द बिग हाउस, उस बड़े से घर में, इन हॉलीडेज, छुट्टियों के दिनों में। तो इतना लिख करके आप उनके सामान्य भाव लिख देंगे कि जो फील्ड थी वो कैसी थी और क्या चाहती थी। चीज ठीक से समझ आ गई होगी कि ग्रैंड मदर फील्ड वॉज अ ग्रेसफुल लेडी, कि ग्रैंड मदर फील्ड जो थी वो एक ग्रेसफुल महिला थी, सी लव्ड ऑल हर चिल्ड्रन, वो सभी बच्चों को अपने को प्रेम करती थी। नेचुरली भी है कि कोई अगर ग्रैंड मदर होगी तो अपने सभी बच्चों को एक जैसा प्रेम करती हैं, तो सी लव्ड ऑल हर चिल्ड्रन, वो अपने सभी बच्चों को प्रेम करती थी। अब इसके बाद आप लिख देंगे सी विश्ड, वो चाहती थी टू बी रहना विद ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन इन द ग्रेट हाउस, इन हॉलीडेज, के छुट्टी के दिनों में वो उनके साथ रहना चाहती थी। अब आप यहां से लिखेंगे कि उनका पर जॉन एल से स्पेशल अटेंशन था, स्पेशल लव था, बट सी हैड स्पेशल लव एंड अटेंशन, सी हैड मतलब वो रखती थी स्पेशल लव एंड अटेंशन फॉर जॉन एल, कि जॉन लेम्ब के लिए उनके अंदर एक स्पेशल लव एंड अटेंशन था। किस वजह से था? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी हैंडसम, उसका रीजन भी था क्योंकि वो बहुत हैंडसम था, एंड दूसरी बात क्या थी कि जो स्पिरिटेड यूथ था वो, तो एक तो ही वॉज वेरी हैंडसम एंड स्पिरिटेड यूथ, वो ऊर्जावान, स्पिरिटेड यंग मैन कहते हैं, वो एक ऊर्जावान युवा आदमी था। समझ में आ गई बात? सी हैड स्पेशल लव, कि उनका विशेष प्रेम था, किससे विशेष प्रेम था, एंड अटेंशन फॉर जॉन एल, और उसका रीजन बता दे, बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम, एक तो ये कि वो बहुत हैंडसम था, एंड दूसरा जो रीजन था, एंड स्पिरिटेड यंग मैन, और स्पिरिटेड यंग मैन था, ही ऑल्सो मूव्ड अबाउट इन सॉलिटरी कॉर्नर, ही ऑल्सो मूव्ड अबाउट, वो अक्सर चला जाया भी करता था इन सॉलिटरी कॉर्नर, एकांत कमरे में, तो ही ऑल्सो मूव्ड, वो चला जाया करता इन सॉलिटरी कॉर्नर, और बड़ी परवाह किया करता। इसके बाद एंड टुक केयर ऑफ, तो वो एकांत यानी अकेला होकर के बिल्कुल, और गार्डन की परवाह किया करता था, तो वो आप लिख देंगे कि ही मूव्ड अबाउट, कि वो चला जाया करता इन अ सॉलिटरी कॉर्नर एंड टुक ग्रेट केयर, और बड़ी परवाह करता ऑफ द ग्रेट गार्डन, उस बड़े बगीचे की, एंड टुक ग्रेट केयर, और वो बड़ी परवाह करता ऑफ द ग्रेट गार्डन ऑफ द हाउस, कि मकान का जो बड़ा बगीचा था उसकी वो बड़ी परवाह किया करता। तो यहां आपको उसका रीजन बताना है कि वो क्यों करती थी, बट सी हैड स्पेशल लव, यहां से आप लिखेंगे क्योंकि उसका विशेष प्रेम था, एंड अटेंशन, और विशेष स्नेह था, लगाव था, परवाह करती थी फॉर जॉन एल, बिकॉज, क्योंकि एक तो पहला गुण तो उसका यह था कि ही वॉज वेरी हैंडसम, वो बहुत हैंडसम था, एंड स्पिरिटेड यंग मैन, और स्पिरिटेड यंग मैन था। दूसरा, ही मूव्ड अबाउट इन ए सॉलिटरी कॉर्नर, कि वो सॉलिटरी कॉर्नर में चला जाया करता, एंड टुक ग्रेट केयर, और बड़ी परवाह करता था ऑफ द ग्रेट गार्डन, उस बड़े से बगीचे की, इन द बिग हाउस, या ऑफ द हाउस, सीधे सीधे लिख दें कि बड़े से घर के, बड़े बगीचे की वो बड़ी परवाह किया करता था। तो इस तरीके से मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा, आंसर ज्यादा टिपिकल नहीं है। पहले आप ग्रैंड मदर की जो सामान्य बातें हैं वो लिख दें, तो फील्ड्स ग्रैंड मदर वॉज अ ग्रेसियस लेडी, के वो एक सामान्य सी महिला थी, या डायरेक्ट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज अ ग्रेसियस लेडी, क्या वो एक सामान्य सी महिला थी, ही लव्ड ऑल हर चिल्ड्रन, वो अपने सब बच्चों को प्रेम करती थी, सी विश्ड, क्या वो चाहती थी टू बी रहना विद ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने सभी बच्चों के साथ, सी विश्ड, क्या वो चाहती थी क्या रहना, विश्ड टू बी विद ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, के सभी बच्चों के साथ वो रहना चाहती थी, इन द ग्रेट हाउस, इन हॉलीडे, छुट्टी के दिनों में। यहां से लिख दें कि उनका
तो यहां से आप लिख देंगे बट सी हैड स्पेशल लव, लेकिन उनका स्पेशल लव था एंड अटेंशन, और उनका विशेष स्नेह भी था। सी हैड स्पेशल लव एंड अटेंशन फ्रॉम जॉन एल, क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था, एंड स्पिरिटेड यंग मैन, और स्पिरिटेड यंग मैन था। ही ऑल्सो मूव्ड अबाउट इन ए सॉलिटरी कॉर्नर एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ द ग्रेट गार्डन ऑफ द हाउस, के वो बड़ी परवाह किया करता ऑफ द ग्रेट गार्डन, बड़े से बगीचे की, ऑफ द हाउस घर के, तो वो घर के बगीचे की बड़ी परवाह किया करता था। अब यहां देखिए, जैसे अभी तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चन इसमें कर लिए, तो इनमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी क्वेश्चन में ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी। बस केवल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, और इसके बाद ये जो डिस्क्राइब द क्रिमिशन ऑफ द ग्रैंड मदर फील्ड, जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन कुछ थोड़े से सिमिलैरिटी रखते हैं, तो इनका ध्यान रखना। सिमिलैरिटी क्यों रखते हैं वो भी ध्यान रखना, कि वहां हमने लेम की दादी का करेक्टर स्केच किया था, तो वहां फनल का वर्णन करना पड़ा था, और यहां हमें फनल का ही वर्णन करना है, क्रिमिशन दाह संस्कार का ही वर्णन करना है, और उसमें बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी कि क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, उनमें ये गुण थे जिसकी वजह से सब लोग उसे प्रेम करते थे, इसलिए उनके अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपके ए पार्ट का तो ये क्वेश्चन रहना चाहिए। हाँ, अभी ए पार्ट का एक क्वेश्चन आपका रह गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन रह गया है। हालांकि ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है अगर आप, लेकिन फिर भी मैं लिखाए जरूर दे रहा हूं।